आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। गुमला घाघरा गुमला में कलयुगी पिता ने किया रिश्ते को शर्मसार, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। घटना जिले के घाघरा थाना क्षेत्र की है, जहां नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर शनिवार की देर शाम पीड़िता की मां ने घाघरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में कलयुगी पिता का अपनी नाबालिग बेटी को कई बार बलात्कार का शिकार बनाते रहने की बात का जिक्र किया है। साथ ही पीड़िता मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है। बता दें, लॉकडाउन से पूर्व आरोपी पिता अपनी पत्नी एवं बेटी के साथ चाय बागान में तमिलनाडु में काम करता था। उस दौरान भी अपनी बेटी के साथ तमिलनाडु में जबरन दुष्कर्म किया, जिसके बाद लॉकडाउन के बाद आरोपी अपने घर आ गया। विगत 17 फरवरी को जब पीड़िता की मां अपने घर में काम कर रही थी, तो घर के अंदर बर्तन गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। जब पीड़िता की मां घर के अंदर देखने गई, तो देखा उसका पति बेटी के साथ हाथ बांधकर गलत काम कर रहा था। उस समय आरोपी नशे में था। घटना के कुछ दिन बाद पुनरावृत्ति के डर से पीड़िता को उसकी मां अपने साथ गुमला ले गई, जहां आसपास के लोगों ने कब तक भागती रहेगी ऐसा समझा बुझा कर उसे थाने जाने को कहा। तब पीड़िता को लेकर उसकी मां घाघरा थाना पहुंची, जहां दुष्कर्मी पिता के कृत्य को उसकी मां ने पुलिस को बताया। इधर पुलिस द्वारा दुष्कर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। घाघरा थाना में महिला जो है वो घाघरा थाना में जाकर के कंप्लेन की, जिसके बाद घाघरा थाना प्रभारी द्वारा मुझे संपर्क किया गया। फिर मैं वहाँ पर जाके वादनी का जो है स्टेटमेंट लेने के बाद में वहाँ उनका प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इसमें क्या है कि लड़की है, बच्ची 14 वर्ष की बच्ची है, जिसके साथ उसका पिता ही खुद उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता था, और ये लोग चाय बागान तमिलनाडु के तरफ काम किया करते थे। वहाँ भी उसके साथ में कभी उसके साथ में दुष्कर्म किया। फिर बच्ची जो है थोड़ी सी मेंटली डिसेबल है, तो अपने बातों को ठीक से वो नहीं रख पाती थी, और उसको समझ में ही नहीं आता होगा कि उसके साथ में क्या किया जा रहा है, तो वो चुप रही। फिर वो लोग लॉकडाउन में घर आ गए यहाँ अपने गांव। यहाँ पर भी एक दिन क्या हुआ, 17 जनवरी की बात है, दिन में बच्ची रसोई में खाना बना रही थी, तो इसी बीच उसका बाप उसके पास गया और ज़बरदस्ती उसके हाथों को पीछे मोड़ करके उसके साथ में ज़बरदस्ती दुष्कर्म कर रहा था। तो माँ घर पर उस वक्त नहीं थी। जैसे ही माँ घर पे आई और किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई, वो दौड़ के गई किचन की तरफ कि क्या हो गया। वहाँ पे वो देख ली कि उसका पति उसकी बेटी के साथ में गलत काम कर रहा था। फिर वहाँ पर विरोध किया इन लोगों ने, लेकिन उसका बाप जो है नशेड़ी था और डरा धमका करके उनको खूब इतना डरा दिया कि वो लोग हिम्मत नहीं कर पाए थाना वगैरह जाने के लिए। फिर वो लोग गुमला आ गया। गुमला में लक्ष्मण नगर के पास वो लोग रेंट में रहते हैं। कितना दिवस चल रहा था मैम इसके साथ? कितना दिवस चल रहा था ये इस तरह की बात? ये एग्जैक्ट बच्ची नहीं बता पा रही है कि कब कब उसके साथ किया था, लेकिन 17 जनवरी की घटना वो बता पा रही है, क्योंकि उस वक्त उसकी माँ खुद देख चुकी थी। फिर क्या हुआ कि लोकलाज और खुद उसका बाप ही ऐसा कर रहे हैं, इन सब बातों को लेकर वो लोग हिम्मत किए इधर जा कर के घाघरा में शिकायत दर्ज करें। तो पूरी घटना में क्या प्रक्रिया की जाएगी? अभी बच्ची का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाएगा, उसके बाद में उसके पिता को हिरासत में ले लिया गया है। बच्ची का 164 CRPC के तहत बयान दर्ज कराया जाएगा, और उसकी माँ का भी, और बच्ची मेंटली डिसेबल है तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बात करेंगे, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।